एयरपोर्ट से अब हम निकल आए हैं, अब जाना होता है सिटी सेंटर, मतलब कि उसके लिए आपको बताएंगे सिटी सेंटर कैसे पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलमाते एयरपोर्ट पे। अलमाते एयरपोर्ट पे मुझे देख के कुछ अजीब सा लगा, इनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो एयरपोर्ट तक आपको रिसीव भी करती है, पिक भी करती है, अगर आपने वापस जाना है वो भी लेके जाती है, अगर सिटी से अंदर एयरपोर्ट जाना हो और वो एयरपोर्ट के पूरे एग्जिट तक आपको छोड़ के आती, मतलब वो जहाँ सामने रेड लिखा हुआ अलमाते इधर से वो वापस चली जाती है। तो मैंने कहा काफ़ी लोग पूछते होते हैं कि एयरपोर्ट से सस्ते में कैसे जाया जाए वापस अलमाते सिटी में, या अलमाते सिटी से एयरपोर्ट पे कैसे आया जाए। अगर आप यंडेक्स करवाते हैं, उबर करवाते हैं, इन ड्राइवर करवाते हैं, काफ़ी पैसे लग जाते हैं। और एक दूसरा ये भी होता है कि सिम खरीदनी होती है एयरपोर्ट से, सिम आपको काफ़ी महंगी पड़ती है, इनके जो टिंगे हैं मतलब कि आपको $50-60 की पड़ जाती है, क्योंकि डॉलर जो इंटरनेशनल है अब टिंगे का किसी को नहीं पता, किसी का नहीं पता, तो $50-60 की सिम पड़ती है, उसके बाद $30-40 की टैक्सी पड़ जाती है अगर आपने सेंटर में जाना होता है। तो आज आपको दिखाएंगे हम अलमाते इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिटी सेंटर में जाते हैं और उधर से कैसे अपना करते हैं, मतलब अगर किसी ने अपना होटल ढूंढना हो, अगर किसी ने हॉस्टल ढूंढना हो, तो सिम भी आपको बताएंगे कहाँ से आप ले सकते हैं। आए चलते हैं, और वो बस भी आ गई है, आपको बस भी दिखा देंगे वीडियो में, वो 92 सामने खड़ी है, वो ग्रीन बस वाइट वाली, ये 92 बस है जो आपको मैंने एंट्री पे भी दिखाई थी, अब उधर से एग्जिट कर रही है वो सामने। और अगर आपको टिंगे चाहिए आप अपने पास $10-50 ऐसे थोड़े रख सकते हैं, 150 टिंगे इसकी फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी होती है अगर आपने ट्रैवल करना हो। मैं सिटी सेंटर में पहुंच गया हूँ, आप पीछे देख सकते हैं, और इधर भी ट्रेंडिंग में मतलब कि ये सिटी सेंटर है, वो यंडेक्स है अगर किसी ने यंडेक्स पे आना हो, क्योंकि बस आलमोस्ट 30 से 45 मिनट लेती है सिटी सेंटर में पहुंचने के लिए। तो सिटी सेंटर में पहुँच गए, जब आप टेंगे देते हैं ना, क्योंकि इधर सारा सिस्टम जो है वो कैश पे पे है या QR स्कैन पे है, कार्ड पे है, अगर आप टेंगे पे करते हैं तो आपको ये रसीद लाजमी लेनी होगी बस के लिए, क्योंकि बस में जब आप बैठते हैं वो चेकिंग करता है, अगर किसी ने पैसे ना पे किए हों या किसी के पास ये रसीद ना हो तो वो उसे बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसे डिपोर्ट भी कर देते हैं। अगर डिपोर्ट करें उसके साथ 20,000 टिंगे फ़ाइन भी है, अगर टिंगे फ़ाइन पे करते हैं उसकी मिनस माजद कर लें फिर बचत हो जाती है कि आपको डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनका भाई ला है कि डिपोर्ट कर देते हैं अगर आपने बस में पे ना किया हो किराया और वैसे ही बैठते हैं। अब मैं इधर पहुँच गया, उधर से सिम लेंगे, सिम का भी आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे कि आप कहाँ से कैसे सिम ले सकते हैं, लोकेशन बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप ट्रांजिट लेते हैं, मतलब कि आपके पास 4-5 दिन का वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा होता है 5 दिन के लिए, अगर आप इधर आते हैं, अगर आप बस से आना चाहते हैं, अगर एयरपोर्ट से सिटी सेंटर में आना चाहते हैं, 92 भी आती है जो एयरपोर्ट से डायरेक्ट आती है, और उसके अलावा अगर आप 3-4 मिनट पैदल चलें उधर से 79 और 86 आपको मिल जाएगी, वो भी सिटी सेंटर में डायरेक्ट आती है। और अगर आप सिटी सेंटर से जाना चाहते हैं अलमाते एयरपोर्ट पे, तो इधर से 33 जाती है, 79 जाती है, 86 जाती है और 92 जाती है, ये सारी बसें उधर ही जाती हैं। ओके।